हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप के लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस, ये क्योस वाला डूडो वाइब्रेंट एम करा था, जिसका डैमेज 242 मिलियन का जा रहा है, जो कि गाइस हमारी फ्यूरॉक्स से डबल डैमेज है। अभी तक का हमारा सबसे ज्यादा डैमेज देने वाला जो डायनो था वो था गाइस यहाँ पे सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स, वो भी इवॉल्व वर्जन। एंड गाइस, जब हमने इस डोडो वाइब्रेंट को टेम करा ना, तो इसका डैमेज देख के मेरे तो गाइस होश उड़ गए, क्योंकि इसका 243 मिलियन डैमेज जा रहा है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग जो ना गाइस फाइनल बॉस फाइट में करने वाले। बट गाइस, इस केओस वाले डोडो वाइब्रेंट को देखने के बाद अभी मेरा मन कर रहा है स्पिरिट डोडो वाइब्रेंट को भी टेम करने का। एंड वही काम आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई करने वाला है। वैसे आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बनते होंगे यार चैनल पर, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। और गाइस, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि गाइज हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अगर अभी तक आपने गाइज यहाँ पे थैंक्स के बटन को दबा के चैनल को सपोर्ट नहीं कराया तो दबा देना गाइज, ठीक है। और अगर आप थैंक्स के थ्रू सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ही खाली कर देना। थैंक्स का बटन, लाइक शेयर और डिसलाइक के बटन के साइड में आपको दिख जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू कर देते। और अभी यहाँ पे ना मैं स्पिरिट वाले रुक जाओ, स्पिरिट वाले को टेम करने के लिए जाने से पहले मुझे थोड़ी सी ट्रैंक एरोज बनाने दो, ठीक है। पहले तो नार्कोटिक बना लेता हूँ। ओके, चार नार्कोटिक, छः नार्कोटिक, ट्रैंक कितनी बनेगी, छः ही बनेगी फिर तो, सात ट्रैंक गाइस, ठीक है। 9 ट्रैंक एरोज हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि गाइस वाइब्रेंट को हवा में ओरिजिन ट्रैंक मारना दिन के समय, वो भी स्पिरिट वाले को, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है भाई, ठीक है। स्पिरिट वाला डोडो वाइब्रेंट गाइस यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, या नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, ग्लीचे या एक ही जगह पे दो दो डोडो वाइब्रेंट स्पॉन हुए हैं। नहीं रे, ग्लीचे भाई, 71 63 58 89 भाई, एक ही जगह पे दो दो भाई, एक ग्लीचे भाई, एक ही है भाई, वहां पे एक ही आ जाओ। चलो भाई, इसे बोलते एकदम नशेड़ी वाला ग्लीचे भाई, ठीक है। चलो 71 58 भाई, ठीक है। वरना अगर गाइस वहां पे दो स्पॉन होते ना, तो गाइस वो डेसिमल्स होता है ना कि पॉइंट के बाद का, वो उसमें थोड़ा सा जो है ना गाइस, मतलब ऐसा फर्क होता कि हाँ थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, वो तो एग्जैक्टली सेम टू सेम ही देगा, ठीक है। लोकेशन है 71 58 एंड ये लोकेशन हमको लेके जा रहे पहाड़ों के पार, इन पहाड़ों के ऊपर 71 58, ठीक है। 71 58 आराम से 71। आप ही कोई तो स्पिरिट वाला ही कोर था भाई, 71 58, बस रुक जा। वो रहा गाइस, ये रहा अपना डोडो वाइब्रेंट 1500 लेवल, ठीक है भाई। अगर ये शांति से उड़ रहा है, दिख नहीं रहा भाई, देख लिया गाइस ने, आई डोंट नो, ठीक है ठीक है भाई। रोडोल्फ को भाई बेहोश कर डाला है, ठीक है। मैंने उसको एरो मार दिए, ठीक है, मैंने उसको एरो चिपका डाली है। रोडोल्फ अपना एक फटके में बेहोश हो गया, रोडोल्फ नहीं मरा है, मैं खाली मरा हूँ, रोडोल्फ अपना बेहोश है, उसको जाके बचा लेना है, ठीक है। उसको बचाने के लिए भाई सबसे तेज अभी कौन है अपने पास, ग्रिफिन, ग्रिफिन को लेके चलते। चलो भाई, मैंने जो ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा था यार कहाँ से आ रहा है, मैंने अंधी मारी एरो उसको लगी, बट उसने भी गाइस मेरे को मारा। एंड उसके बाद क्या हुआ तो आपने देखा ही होगा, ग्रिफिन कहाँ पे, ये रहा अपना ग्रिफिन, बॉस किलर, चल आ जा बॉस किलर सर, आ जा भाई, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट भाई, ठीक है भाई। टॉर्पुर बहुत तगड़ा दे रहा है गाइज, टॉर्पुर इतना ज्यादा तगड़ा दे रहा है ना गाइज, एक फटका मारा मेरी डायरेक्टली वहीं पे जो ना गाइज बैंड बज गए मेरी, छोड़ो रोडोल्फ भी बेहोश हो गया। अभी तक गाइज कोई भी रोडोल्फ को ना बेहोश कर नहीं पाया था एक मैंटिकोर के अलावा भाई, ठीक है। बट गाइज अभी भाई साहब इस वाइब्रेंट ने एक लाइटनिंग डाली, डायरेक्टली गेम बच गया। चलो गाइस, ग्रिफिन को ना ना चलाने का गाइस यही नतीजा होता है कि डाई बॉम्ब जो है ना गाइस इंसान भूल जाता है, बट अपन डाई बॉम्ब नहीं भूले भाई, ठीक है।
देखो ऐसा पानी के नजदीक जला सकते हैं अपन भाई एकदम मस्त वेकी। वो जो ना कहीं थोड़ा सा तेजी से जो है ना कहीं उड़ने के चक्कर में मैं जो ना कि जिसको इसे जमीन से टकरा देखता हूँ और उसके बाद इसको ऐसा उड़ा देता हूँ वापस से भाई। ठीक है रुक जाओ, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ। इससे जो ना कहीं थोड़ा सा और तेजी से निकल जाता है यहाँ पे। ओके छोड़ो गाइस, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए रोडोल्फ को बचाना ज़्यादा जरूरी है। मार डाय बॉम्ब, मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ से एक टीवी भेज देता हूँ मैं घर पे, इनकेस अगर कुछ लफड़ी हो गई तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना गाइस ये टीवी पे हम टीवी मार देंगे, थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा ये। हाँ वो रहा, वो तो ठीक है, रोडोल्फ ये रहा, ठीक है रोडोल्फ सर जी को कर लिया मैंने। मुझे ये बताओ, हाँ ये रहा, अरे तो हो गया बेहोश भाई, हैं भेज गया गया भाई रोडोल्फ को क्राइव कर रहे तो गाइस आसमान से गिर गया नीचे सीधा। स्पिरिट बॉस केवल 3 चाहिए, इसका सैडल भी बना के लेके आता हूँ गाइस। ठीक है भाई 200 मिलियन प्लस डैमेज के ऑस वाले का था, 200 मिलियन प्लस स्पिरिट वाले का कितना जाएगा, क्या लगता है आपको, हैं तोड़ेगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ेगा सबके। देखते 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 रुक जाओ, यहाँ पे और बने यार, मुझे किबल लेने, किबल ये रहा गाइस। ठीक है 1 2 3 एंड डोडो वाइवरन स्पिरिट वर्जन, ये रहा स्पिरिट वाले डोडो वाइवरन का सैडल। वैसे गाइस इसको बनाने के लिए सोल की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास पड़े हुए, और अभी मुझे जो ना गाइस इन लोग के जो सैडल्स है उनको असेंडेड करना पड़ेगा, मतलब जो भी ज़्यादा डैमेज देगा, जो भी मुझे बॉस फाइट के लायक लगेगा, जो बॉस को मार पाएगा ऐसा मुझे लगेगा, उसको ना मैं असेंडेड वाला सैडल पहना के सीधा बॉस से बिड़ा दूंगा भाई। ठीक है नो प्रॉब्लम हो भाई, ठीक है टेंशन नहीं लेने का, सीधा बॉस से बिड़ा दूंगा। बॉस जो है ना गाइस यहाँ पे, बॉस ने एक्चुअली में हमारा डायनो जो ना बॉस की बैंड बजा डालेगा। ठीक है ये ले भाई केबल खा ले, 1 2 एंड ये ले भाई टेमिल पर चाहिए, जरूरत नहीं है ओरिजिन एरो मारा था मैं भूल गया था, ये भाई सैडल पहनने के लिए दिया है। हाँ ठीक है चलो इसको क्राइव कर लेता हूँ एंड अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे मारे स्पिरिट वाले डायनोज की असली पावर भाई। ठीक है ना हमारा स्पिरिट वाले डोडो वाइवरन किसी से कम है क्या, अभी आप बोलेगे लुक दिखाओ, लुक दिखना तो चाहिए आपको, अच्छा दिख रहा है गाइस, देखना देखना गाइस। वैसे इधर से अगर दिखाऊंगा तो भाई सफेदी की दुकान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, बट इधर से जो है ना गाइस पीछे साइड थोड़ा सा अंधेरा है ना, उस रीजन से डोडो वाइवरन का लुक दिख के आ रहा है गाइस। ये देखो ये हमारा डोडो वाइवरन क्योस वाले वाइवरन का कॉपी है, बट ये जो है ना गाइस स्पिरिट है भाई। ठीक है एक भूत है उस रीजन से गाइस इसका लुक ऐसा है गाइस, ये रात के टाइम पे भाई दिखता है ज्यादा ठीक ठाक से, बट दिन के टाइम जो है ना गाइस ये ठीक से दिखेगा नहीं। यहाँ पे अटैक की बात करें, बाइट अटैक है, इसके पास भी लाइटनिंग है, इसके पास भी फायर है, बट उसके पास काली कलर की थी, इसके पास व्हाइट कलर की है, और इसके पास स्पिरिट बॉम्ब जो फटके चार हो जाता है, मतलब चार टुकड़े हो जाते हैं, फटके चार का मतलब फटके उसके चार टुकड़े हो जाते हैं ऐसा स्पिरिट बॉम्ब है, और आजू बाजू के एरिया में लग जाता है। अभी तो 3 लाख का डैमेज दे रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम हो। हेल्थ भाई योगी 100 मिलियन, योगी 200 और 300 मिलियन, बाकी बचे हुए सारे पॉइंट डैमेज में भाई दे रहा डैमेज ना, क्योस वाले से ज़्यादा जाना चाहिए मेरे को पता नहीं है, क्योस वाले से ज़्यादा गाइस इसका डैमेज जाना चाहिए, देखते बाकी डैमेज इसका ज़्यादा ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है एयर वी गो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पॉइंट मैंने इसके डैमेज में डाल दिए, अभी देख लेता हूँ गाइस कि इसका डैमेज कितना जा रहा है। ठीक है इसको टेम हमने इजीली कर लिया भाई, ठीक है अभी यहाँ पे 32 मिलियन का इसने स्टेगो के ऊपर डैमेज दिया, सो ना 32 मिलियन बाइट अटैक है इसका, दैट्स कूल एंड लाइटनिंग कितना जा रहा है 39 मिलियन लाइटनिंग जा रहा है, 39 मिलियन लाइटनिंग जा रहा है गाइस। ठीक है चलो आ जाओ, बारिश होने वाली लग रहा है गाइस मुझे। देन सी वाला अटैक, फायर जो है कितना जा रहा है, अरे फायर तेरी लग भी रहेगी नहीं, स्टेगो के ऊपर ही यूज करा 59, दैट्स कूल स्पिरिट बॉम्ब जी 20, ये कुछ खास नहीं,
ये कुछ जो है ना गाइस खास नहीं है। मे बी गाइस इम्प्रिंट करने के बाद इसके स्टैट्स थोड़े से अच्छे हो जाए गाइस। रुको देख लेते, आ जाओ 300 मिलियन तो इसकी हेल्थ हो जाएगी। क्राइव करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, ताकि इसका डैमेज वेमेज थोड़ा सा ठाक हो सके, वरना वो ग्लिच हो जाता है ना कभी, तो इसलिए क्राइव कर लेता हूँ। बाई डेटा कितना दे रहा है भाई साहब, इसका टर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। फर्स्ट टेको के ऊपर ही यूज़ करा है क्या, 39 मिलियन ही दिखा रहा है। गाइस क्योस वाला ज़्यादा पावरफुल है जितना मुझे लग रहा है ना, क्योस वाला ज़्यादा पावरफुल है भाई, ये वाला उतना वो भी नहीं है। 39 तो पहले भी दे रहा था तू। इम्प्रिंट करा कि इम्प्रिंट ही नहीं करा यार मैंने इसको, इम्प्रिंट ही नहीं करा, कर दिया अभी इम्प्रिंट, इम्प्रिंट ही नहीं करा ऐसे बोल रहे भाई लोग। हाँ रुको दिखाओ इम्प्रिंट, इम्प्रिंट हट रहा है भाई यार, रुक जाओ, ये ले वापस से वंस मोर, ये ले गाइस इसका इम्प्रिंट हट रहा है गाइस, इसका इम्प्रिंटिंग क्राइव करने के बाद हट रहा है गाइस यहाँ पर, ये देखना मैं बैठ गया इसके ऊपर। बाइड अटैक 39 मिलियन जाएगा बट इम्प्रिंटिंग हट गया, डैमेज इसका कम हो रहा है और हेल्थ भाई बड़ी हुई है, 300 मिलियन हेल्थ क्रॉस कर दी है इसने, बट इसका जो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डैमेज है वो उतना ही है, 47 मिलियन लेजर अटैक है, ठीक है। शिवाला अटैक 80 नहीं, हाँ शिवाला अटैक में फायर है जो कि 71 मिलियन की दे रही है। एंड अगर बात करें हमारे स्पेशल बम चिकी 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 बम बम अटैक की, 17 मिलियन और फेल के 4 नहीं हो जाता, ये 8 हो जाता है लग रहा है, अच्छा फट के 8 हो जाता है और 8 अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिर जाता है कैसे, ठीक है। सो क्या बोलते हो गाइस, ओरिजिन के ऊपर पहले ट्राई मार लेता हूँ कि कैसा इसका अटैक वर्क करता है ना। लाइटनिंग तो भाई तगड़ी वाली वर्क करेगी। ओह शिट ड्यूड, ड्यूड उधर ओरिजिन आया दिख रहा है तेरे को, जो मेरे तोड़ देगा भाई, फाड़ देगा। अरे बैठे ना जमीन पे, अरे तुझी जमीन क्या तेरे को काफ़ी नहीं है क्या बैठने के लिए। हाँ अच्छा, हाँ फायर अटैक से मारना फायर, अच्छा लाइटनिंग है, अच्छा लाइटनिंग से मार, मार लाइटनिंग से, डैमेज नहीं था ना, लाइटनिंग से चेप डाला गाइस, ये देखो इजीली 0 डैमेज खा के चेप डाला गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नल्ला है गाइस, ये भी ओपी है, ये भी ओपी है, बट इसका ओपीनेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। इसका बर्निंग डैमेज 7-7 मिलियन का बढ़ रहा है गाइस, जबकि हमारा जो दूसरा गाइस यहाँ पे वाइब्रन था उसका बर्निंग गाइस पड़ रहा था कितने का बताओ, उसका बर्निंग पड़ रहा था 40,000 और इसका 7-7 मिलियन बढ़ रहा है, तो अभी मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ, मैं क्योस को लेके जाऊँ या स्पिरिट को। गाइस मुझे आप नीचे कमेंट करके बता देना कि मैं क्योस वाले वाइब्रन को लेके जाऊँ या स्पिरिट वाले को। देखना क्योस वाइब्रन का डैमेज तगड़ा है, बर्निंग डैमेज नहीं देगा वो, मुझे लेजर वाले अटैक से उसको मारना पड़ेगा बॉस को, ठीक है। बट स्पिरिट वाले डायनो का डैमेज भले थोड़ा सा कम है बट इसका जो बर्निंग है ना गाइज वो 7-7 मिलियन कंटिन्यूस देता रहेगा, कंटिन्यू 7-7 मिलियन गाइज, ठीक है, कंटिन्यू 7-7 मिलियन। तो भाई अभी आप मुझे बताना मैं क्योस डोडो वाइब्रन और स्पिरिट डोडो वाइब्रन में से किसको यहाँ पे फाइनल बॉस फाइट पे लेके जाओगे, ठीक है। आप जो बोलोगे वो अपन करेंगे और अपन उसी डायनो को लेके जाएंगे, ठीक है, ये देखना। और ये अटैक अगर उसके अंदर फट गया सो कंटिन्यू जो ना गाइस 7-7 मिलियन का उसको डैमेज पड़ता रहेगा गाइज फाइनल बॉस को। सो आप बताना गाइज मुझे किसको लेके जाना चाहिए, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वैसे मैं फाइट तो दोनों से कर लूँगा बट गाइज एक काम कर लेते हैं, कुछ बंदे बोलेंगे स्पिरिट को लेके जाओ, कुछ बोलेंगे क्योस को लेके जाओ, मैं दो बॉस फाइट करूँगा, दोनों के आर्मर असेंडेड बना लूँगा और एक बार क्योस वाले से उसको पे लूँगा, दूसरी बार पिकॉन द क्रेडर को हम लोग फेल देंगे यहाँ पे, किससे बताओ गाइस स्पिरिट वाले से भाई, ठीक है। चलो भाई दोनों वाइब्रन से जो ना कि उसको मारने की कोशिश करूंगा, बाकी देखता हूँ कि कौन सा वाला वाइब्रन उसको मार पाता है और कौन सा वाला वाइब्रन यहाँ पे उसको मारने में फेल हो जाता है भाई, ठीक है। मजा काफी ज्यादा आएगा वो वाली बॉस फाइट देखने में, बाकी आप मुझे बताना क्योस एंड स्पिरिट डोडो वाइब्रन में से आपका
फेवरेट टोटो वाइब्रेंट कौन सा वाला है गाइस, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और आज का एपिसोड इसी के साथ हम लोग जो है ना गाइस यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो अगर आज का ये वाला जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारे स्पिरिट वाले डोडो वाइब्रेंट और क्योस वाले डोडो वाइब्रेंट के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में डालना नहीं भूलना। तो मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.